आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN न्यूज, खबर आप तक। नमस्कार, मैं हूं प्रीति मधुकर और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN न्यूज। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। अजमेर की दरगाह क्षेत्र में स्थित धान मंडी के पास होटल मन्नत पैलेस में अचानक भीषण आग लग गई। आग की वजह से होटल के नीचे बनी दुकान पूरी तरह जलकर खाक हो गया और आग धीरे धीरे होटल के अंदरूनी इलाके में भी पहुंचने लगी। आग लगने की घटना से बाजार में अफरा तफरी का माहौल मच गया। आगजनी की सूचना पर अग्निशमन विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का रेस्क्यू प्रारंभ किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक आग बुझी तब तक होटल का काफ़ी नुकसान हो चुका था। गनीमत रही कि भरे बाजार के बीच लगी भीषण आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। आगजनी की सूचना पर देहली गेट चौकी और गंज थाना पुलिस के साथ पुलिस उप अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे। पुलिस उप अधीक्षक ने बताया कि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट के चलते होटल में आग लगी और धीरे धीरे विकराल रूप लेने लगी। हाँ, ये सूचना मिली थी कि मन्नत गेस्ट हाउस के अंदर आग लग गई है, जिस पर फायर ब्रिगेड और हम मौके पर पहुँचे। फायर ब्रिगेड वालों ने अच्छा काम किया और काबू पा लिया है। अभी तक कोई ऐसी इंसान की कोई बचत रही है और नुकसान ज़रूर हुआ है, जो सामान का नुकसान हुआ है वो ज़रूर हुआ है, बाकी बचे। मन्नत नाम से होटल है, गेस्ट हाउस दरगाह। ऐसा है सर, हमें 2:10 पे खबर मिली कि धान मंडी के पास में मन्नत होटल में आग लग रही है, बिजली के बोर्ड में। इसकी खबर मिलते ही हम तुरंत छोटी गाड़ी लेके यहाँ आए। यहाँ आके देखा तो आग तगड़ी थी, बड़ी थी, तो हमने दूसरी गाड़ी और मंगाई और फिर आग को काबू में किया। उसके बाद अंदर एक गैस सिलेंडर था, उसको बाहर निकाला, दो आदमी अंदर थे उनको बाहर लेके आए। कोई जना नहीं हुई है? नहीं नहीं, वो आदमी जिंदे निकाला है, बाहर सो रहे थे अंदर, सुरक्षित। दो गाड़ियाँ आई है सर, अब तो बिल्कुल बंद हो गया। अब ये नुकसान तो सर मालिक ही बता सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, RNN न्यूज़।